हे hey गाइस अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को आगे तक मिलते रहे एनीवेज गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कल जो मैं फिश पढ़ के ले गया था बहुत सारा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चाहिए और अभी देखिए क्योंकि मैंने वहाँ पर जो फिश पकड़े थे मुझे लगा था वो वाइल्ड गप्पी है उस से एक तो सही में ऐसा लग रहा है वाइल्ड गप्पी है मैं आप लोगों को अभी सामने से दिखाने वाला हूँ बहुत लोगों का मतलब कि मैक्सिमम नाइन लोगों का ये कमेंट है कि वो वाइल्ड गप्पी नहीं है और वो किली फिश है तो किली फिश के बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं था मैंने जाकर सर्च किया अगर भी किली फिश है तो भी आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि फिश बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं दिखने में जो मैंने इंटरनेट से सर्च किया है तो नेट में ऐसा कुछ पिक्चर आया है इनके लिए फिश का बहुत प्यारे लग रहे हैं और इसमें ना एक लाइटिंग सा जलता रहता है इनके सर पे तो ये तो अपडेट मैं देने वाला हूँ सामने से दिखाने वाला फिश और साथ ही मैं आप लोगों को मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि मेरे रिवर फिश कौन का क्या हुआ है मैंने खुद ही बहुत दिनों से नहीं देखा ऑलमोस्ट टू मंथ से मैंने उसको ठीक से देखा ही नहीं है देखना है कि क्या जबर उसने बच्चे दिए हैं या स्नेल्स कितने हो गए क्या हुए चलिए उनको अच्छे से देख लेते हैं अंदर अंदर तक देखते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बस आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने ये हाइड्रोकोटली के ये प्लांट्स जो है मैं, मैं एक मैं हॉबी से लेकर आया था जो बहुत ही अजीब सा प्लांट्स मुझे मिला था बट देखो इसको मैंने इसमें रखा था देख रहे हो आप तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो है बर्ड्स निकलना शुरू हो चुका है अच्छे से ग्रो हो रहा है मुझे दिख तो रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है देखो यहाँ से थोड़े से थो थो बर्ड्स भी निकलने लगे हैं यहाँ पे हम चाहे तो स्ट्रम्स भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल्स है लेकिन मैं अभी इसको जो है साइकिल होने दे रहा हूँ और वन वीक के बाद जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा ना प्लांट्स और ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे सोच सकते हैं छोटे श्रिम्स रखना है कि नहीं छोटे श्रिम्स रखेंगे तो बहुत प्यार लगेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे श्रिम्स है तो देखो ग्रोथ तो हो रही है साथ ही में ये ड्रिफ्टूट मैंने अभी तक यूज नहीं किया है इसको अभी भी सुखा ही रहा हूँ मैं लेट्स लेट्सी इसको शायद मैं बड़े वाले एक्वेरियम पर रखने वाला हूँ इसी में फेवरेट फ्लावर येलो ऑलमोस्ट सर चुका है एक ही खिला सिर्फ ये फ्लावर्स देखिए कलर बहुत प्यारा है नहीं बहुत प्यारा कलर है ऑरेंज इसका कलर देखो दोस्तों एकदम पिंक क्या ब्यूटीफुल कलर है ये प्लांट आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट मर चुका था इसको मैंने कैसे तो बचाया एंड देन इसने इतना सुंदर से एक फ्लावर भी दिया है बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है ये सारे बेर हम गांव से लेकर आए थे बहुत ज्यादा बहुत तो हम लोगों ने लोगों को दे दिया है और यहाँ पे सुखा रहे हैं इसको इनसे अचार बनने वाला है बहुत तरीके का तो इसलिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और ये सरसो हमारे ही बहके से आया हुआ है सरसो तो इतना है और भी था तो इनको सुखा रहे यहाँ पे इस फिशिंग के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी दे रहा है आप लोग को पसंद आता है तो बताना कमेंट जरूर करना ठीक है ये फ्लावर्स देखिए पूरा भरा हुआ है ना एकदम और यहाँ पे एक नया फ्लावर खिला है इतना बड़ा है ये पिंक कलर का बहुत ब्यूटीफुल है देखो एंड यहाँ पे ये देखिए तो यस तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ खाना देने से तो यहाँ पे ये मौली पॉन्ड आप देख रहे हो ये भुक्कर लोगों को मैं थोड़ा खाना दे देता हूँ मैं आजकल एक टाइम ही दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा खाना देने से ना फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा होता है वन टाइम भी देंगे तो चलता है देखो फिश किस तरीके से एक्टिव है और एकदम झपट पर रहे हैं के सब एंड नीचे हमारा कॉरिडोर भी है बहुत सारे चार पांच है इसके अंदर देते गप्पी पॉन्ड में खाना थोड़ा सा देखो ये ने ना एक्चुअली खाना देते ही पूरा जो है ये डिस्पर्स हो जाता है देखो यहाँ पे काफी सारे फिश फ्राइज है दोस्तों एक्चुअली मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे आई थिंक दस पंद्रह तो होंगे तो सब प्लेटिस के फ्राइज है तो इनको खाना एंजॉय करने देते हैं और अब आप आपको दिखा देता हूँ मैं अपने बाकी फिश तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस तो यहाँ पे हमारे सारे वो फिश है तो मुझे 90 परसेंट से भी ज्यादा लोगों ने बोला है कि किली फिश है तो ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट एवरी वन ओपिनियन लेकिन वो फिश भी क्या आप लोगों को किली फिश लग रही है वो बड़ी वाली मेरे को तो बिल्कुल गप्पी जैसी लग रही है मैं समझ ही नहीं आ रहा रुको मैं इनको पकड़ के दिखाता हूँ लेकिन इनमें जो है लाइटिंग टाइप का है सर पे देखो दो 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 करके ये फिश मुझे बहुत सारे चाहिए क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल फिश है एंड ये मुझे गप्पी इसलिए लग रही है रुको मैं दिखाता हूँ आपको बापरे क्या तो भाग रहे हैं क्योंकि गायस देखो ना ये गप्पी नहीं लग रही है क्या मतलब मेरे पास सच में ऐसा ही एक फ़िश था जो गप्पी के ब्रिड के साथ आया था अब मुझे नहीं मालूम तो मुझे बहुत हद तक गप्पी जैसी लग रही है इसके पीछे जो है टेल में एक ऐसा स्पॉट भी है और मेरे गप्पी में भी था तो पता नहीं शायद मैं गलत हूँ क्या हूँ समझ नहीं आ रहा लेकिन एकदम गप्पी जैसी लग रही है मुझे बट रिवर में भी इतने प्यारे प्यारे फिश रहते हैं सच में यार जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना पता चलेगा अब इन फिश को मैं देखता हूँ एंड इन फिश की तो बात ही अलग है क्या लाइटिंग है इनके सर पे देखो डबल डॉट

तो गाइज जो श्री मेन बाप था उसको मैंने अलग जगह ट्रांसफर कर दिया है अलग टैंक में उन बाकी फिश के साथ लेकिन वो पूरा गप्पी लग रही है मुझे तो गाइज ये सारे फिश हम लोगों ने कल पकड़े हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से जाऊँ एंड फिर से पकड़ू और बहुत सारे फिश इनका भी अलग टैंक से हम टैंक वैंक बना सकते हैं राइट लेकिन कितना अजीब बात है मतलब इतना एक्साइटमेंट में, में मैंने पकड़ा सारे गप्पी सोचकर लेकिन अभी मुझे पता चला कि किली फिश है बट स्टिल वो फिश बहुत ब्यूटीफुल है मैंने देखा है उनका फोटो लेकिन एक तो सच में गप्पी लग रहा है बट वाइल्ड गप्पी फिर कैसे होते हैं अगर किसी को पता तो मुझे बताइए क्योंकि मैं तो बहुत सारे फिश स्पॉट करता हूँ रिवर में जाकर तो पे शायद मैं मिस कर देता हूँ समझ में नहीं आता होगा तो प्लीज हेल्प कीजिए बताइएगा तो मैं जाने वाला हूँ कल परसों और भी पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पे वाइल्ड वाले जगह पे पे रिवर होगा जहाँ पे हम जो है अलग अलग ऑफ फिश पा सकते हैं एंड गाइज वाइल्ड बेटा फिश तो बेटा फिश तो वाइल्ड मैंने बहुत सारे वीडियोज भी देखे जहाँ पे मिलता है एंड प्लस गौरमी पे अवेलेबल है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ गोरमिज से मुझे मिल जाएगा लेकिन वाइल्ड बेटा से मैं ढूंढने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो आने वाले फ्यूचर में नाव चलते हैं हमारे दूसरे रिवर फिश कॉन की तरफ दिखाता आपको गाइस इस फिश पॉन्ड के बाद बहुत ही अलग है ये बहुत नेचुरल है एंड मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और ये प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो हुए मतलब मुझे खुद ही देखकर विश्वास नहीं होता कभी कभी कि इतने अच्छे से कैसे ग्रो हो गए ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है इनका यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले मैं दे दूंगा खाना आप देखना कि खाना कितने चाव से खाते हैं उसके बाद जो है हम इस फिश पॉन्ड की थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट करेंगे थोड़ी बहुत देखेंगे मतलब क्या हुआ है यहाँ पे क्या नहीं हुआ देखो खाना देते एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में और ये फिश इतने फास्ट है मुझे पता भी नहीं कि इसमें क्या क्या फिश है जेबरा डैनियो तो डेफिनेटली है उसके अलावा और क्या फिश है मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता एक्चुअली इस पूरे सेटअप को ये इतने अच्छी तरीके से हुआ है एंड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाना क्या देता तो बहुत लोगों का ये सवाल था कि मैं इन फिश को क्या खाना देता हूँ तो दोस्तों रिवर फिश को ही मैं बाइची देता हूँ और होम फूड अगर होगा वो भी आप आपके फिश को आपके हिसाब से आप ट्रीट करवा सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से खाते हैं और बहुत लोग बोलते खाते नहीं है देखो किस तरीके से खा रही है तो टटरा बाइची दिया है मैंने इनको तो गाइस खाना तो इनका हो चुका है अब देखते हैं मैं खुद देखने वाला हूँ काफी टाइम के बाद मुझे तो यहां तक ये भी डाउट है कि इन लोगों ने पक्का एग्स वगैरह दिए होंगे एंड बच्चे भी हुए होंगे लेकिन छोटे छोटे बच्चे तो दिख नहीं रहे देखते हैं कुछ नया कुछ देखने को मिलता है क्या गाइज यू नो वॉट मतलब क्या बोलो क्या सेट हुआ है यार ये मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के नेचुरल पौंड बनाओगे बाप रे बाप ये तो काफी बढ़िया सेट हुआ है एकदम रूट्स वगैरह है यहाँ पे कोई फिश तो मरेगा ही नहीं क्योंकि एक तो इतना अच्छा सेटअप हुआ है इनके लिए एंड हेल्थी ग्रो करेंगे मतलब पूरा भारी भारी मतलब ये रूट्स वगैरह एकदम से मैं बस देख रहा हूँ स्नेल्स तो बहुत ज्यादा है यार एकदम तो मल्टीप्लाई हुआ है स्नेल्स काफ़ी ज़्यादा रुको आप देख रहे हो ना ये प्लांट्स क्या क्या तरीके के प्लांट्स हैं यहाँ पे गाइस मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरीके का बनाइए ट्राई कीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस एक दो महीने में एकदम सेट हो जाएगा थोड़ा सा साइड में रखते हैं ताकि हम कुछ तो देख पाए रूट्स देखो यार एंड ये वाला आप देख रहे हो लंबा वाला ग्रास बहुत लंबा वाला कितना अच्छा ग्रो हुआ है स्नेल्स के बच्चे दिख रहे हैं देखो कितने छोटे छोटे स्नेल्स के बच्चे हैं एक मिनट एक मिनट ये देखो ये देखो एकदम छोटे छोटे भर चुका है यहाँ पे भी एक है एकदम छोटा दिख रहा है वो रहा बापरे यहाँ पे मैंने इतने सारे स्ट्रिम्स भी छोड़े थे कहाँ है क्या मालूम डिस्टर्ब करने में बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है बट मुझे देखना है ऐसा है कि मैं अंडर वाटर शॉट भी नहीं ले पाऊंगा पूरा प्लांट्स के रूट से भरा पड़ा है फिश की धर है खाना देते तो दौड़ के आते हैं ये सब देखो रे कल जो मैं रिवर पे गया था बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था देखो रेड वाले हजोला लाना पड़ेगा तो और मतलब ग्रीन में एकदम रेड कलर का एक कॉन्ट्रास्ट आएगा इसमें मजा आएगा ऊपर ही घूम रही है कहाँ गई रही हो रही प्लांट्स क्यों नहीं ला रहा था क्योंकि आप देखो प्लांट्स ये पूरा भरा पड़ रहा है तो फालतू में मैं क्यों वाइल्ड से इतने प्लांट्स लेकर आऊँ ना तो वहां पर है अभी रहने दो लेकिन मुझे पता है कि लोग वहाँ पे भी वहाँ से भी क्लीन कर लेंगे एंड देन वो प्लांट्स भी सब यू you नो know, डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे अच्छा तो मैं लेकर आके अपने यहाँ पे रख सकता हूँ यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी फिश की लेकिन फिश फ्राइज छोटे वाले मैं ढूंढ रहा हूँ से अगर एग्स क्योंकि ये लोग पक्का एग्स दिए होंगे एनचोजिटि फ्राइज अगर होंगे तो मुझे पता भी नहीं कि एकदम साइड वाइड में होगा शायद पूरा इनका नेचुरल हैबिटेट बन चुका है ये बापरे स्नेल्स देखो मैंने टच किया तो ऐसे दो स्नेल्स ऊपर आए मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या है और ये कौन से वाले स्नेल्स है मुझे वो वाले स्नेल्स लाने पड़ेंगे ये ठीक है बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे स्नेल्स होंगे एक वाटर हाई सिंथ से इतना रूट्स आता है बाप रे ओवर हो जाएगा तो मुझे निकालना तो पड़ेगा ही मुझे ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो ये भर जाएगा तो पुरानी ये देखो टूट गया करते करते एनीवेज गाइस देखा मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने के लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वाटर हाइसिन के जो ब्रांचेस है ना वो टूट जा रहे हैं एकदम से बहुत ही डेलिकेट है वो ये देखो ना कैसे कैसे टूट रहा है तो मैं सोचा कि ठीक है रहने देते हैं आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है एंड ये सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत नेचुरल लुक देता है एंड एकदम बढ़िया है इसमें कोई पानी चेंज भी नहीं कर रहा हूँ फिश बहुत ही बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं जब भी खाना देता हूँ अच्छे से खा रहे हैं और एकदम अच्छा सेट हुआ है अगर इनके ज़्यादा हो जाता है ये वाटर हाइसिन तो प्रोबेबली मैं निकालते रहूंगा और यहाँ पे भी देखो ग्रास के वाले ग्रास भी क्रो हुए हैं मुझे बहुत खुशी है ये लंबे वाले जो मैं रिवर से लेकर आया था एंड नॉर्मल रिवर ग्रास यहाँ तो पे है ही ये देखो ये नॉर्मल रिवर ग्रास तो पे अच्छे से क्रो हो ही रहा है बहुत साइड में पूरा है एंड ये वाले यहाँ पे है साइड में तो गाइज अगर आपको इसका पूरा सेटअप देखना दिखाना मैंने कैसे किया था आप दो महीने पहले आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पर तो आप देख पाओगे रिवर फिश पॉन करके है तो कैसे मैंने सेट किया है किस तरीके से ग्रो करवाया है मैंने इन प्लांट्स को तो आप देख पाओगे वो तो गाइस पूरा कोशिश तो क्या मैंने रिवर फिश पॉन्न को दिखाने के लिए लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जो वो सेट हुआ हुआ है उसको डिस्टर्ब भी करें मुझे खराब लगा फिर भी मैंने बहुत सारा दिखाने की कोशिश किया अंदर अंदर तक स्नेल से उसमें श्रिम्स है मैं दिखा नहीं पाया बहुत ज्यादा फिश है वहाँ पे और सरल एनियस तो बहुत ज्यादा है पचास से भी ज्यादा फिश है ट्रस्ट सौ के बराबर हो क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से देखा नहीं है जब मैं लेकर आया था तभी मैंने डाला हुआ था और उसके अलावा बार भी है वहाँ पे एंड कपी प्राइस भी है जो बड़े हो चुके होंगे अभी मुझे पता नहीं तो एनी बहुत सारे फिश है और वो सेटअप बहुत बढ़िया है आप तो भी ऐसा सेटअप कर सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम देना उनको लाइक एक महीना डेढ़ महीना उसके बाद जो है वो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं लेकिन अच्छी जगह पर रखना बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पर मत रखना नहीं तो फिर प्लांट्स अपने ग्रो नहीं करेंगे और फिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है तो इस तरीके का बना सकते हो बड़ा सा बकेट ले लो बहुत नेचुरल सा फील होता है गाइस तो ये वाला पॉन्ट भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड आप देख पा रहे हो क्लाइमेट एकदम बारिश आने वाली आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट तो ठंडी हो चुका है तो चलिए बाय टेक केयर मैं कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आता हूँ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर बाय बाय